हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी पर फोकस करने से कहीं ज्यादा कैमरामैन की निगाहें जो है वो सना जावेद पर है। आपको पता है ना सना जावेद कौन है? पिछले महीने बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, सुर्खियों में आई थी सना जावेद, वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर न्यू प्रेम। जो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है शुएब मलिक की न्यूली मैरिड वाइफ सना जावेद के बारे में। लाइक कैमरामैन को फुर्सत ही नहीं थी कि वो शॉर्ट्स को दिखाए, कि वो प्लेयर्स को दिखाए, कि वो मैनेजमेंट को दिखाए, वो बस इंटरेस्टेड था तो शुएब मलिक की वाइफ में। अगर शुएब मलिक को ये बात पता चल गई कैमरामैन मेरी वाइफ में इंटरेस्टेड है ना, तो फिर यार उसकी तो लग गई इसको, तो मतलब फिर बैंड ही बजने वाली है, क्योंकि कैमरामैन का सारा फोकस सना जावेद की तरफ था और सना जावेद ऑल द वे ऑन स्क्रीन दिख रही थी। अगर हंसती हुई या अगर रेप में कुछ शॉक हो जाती या अगर नाराज़ हो जाती, खफा हो जाती, तो यार ऑल द वे जस्ट कैमरामैन इज इंटरेस्टेड इन सना जावेद और उसकी रिएक्शन में इंटरेस्टेड था, क्योंकि उस कैमरामैन की यार क्या ही बोले यार, बंदा जो था ना किसी और चीज़ को दिखाने के बजाय सिर्फ उसमें इंटरेस्ट था। मैच में किसी और लड़की लड़के या किसी और विनियो चीज़ को दिखाने से ज़्यादा जो ना आज हमने देखी है तो वैसा ना जावेद की लुक्स, कभी सैड कभी हैप्पी की तो कभी मतलब एक्साइटेड। सो इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन, टिल दैट स्टिक टू मी एंड लेट्स गो स्टार्ट अ वीडियो। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है, लेकिन शाहिनशाह बाय द वे मुकाबला हो चुका है और कराची जीत चुका है। कैमरामैन की निगाहें जो है वो सना जावेद पर है। आपको पता है ना सना जावेद कौन है? पिछले महीने बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, सुर्खियों में आई थी सना जावेद, वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने शोएब मलिक से शादी की है और शोएब मलिक ने इनके साथ जो है तीसरी बीवी के तौर पे जो है इनको एक्सेप्ट किया है, चौथी भी बहुत जल्द जाए। शोएब मलिक में बहुत ज्यादा इस समय जवानी भरी पड़ी है भाई बंदे के पास। और वैसे भी तो आप लोगों के कहा गया है ना, रहमान फारिस ने ये बात कही है कि ना दिल का इज्न ना दिलदार की इजाजत है और ना दीन में तो चार चार की इजाजत है। तो जब तक है दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा, है ना। तो सना जावेद जो है इस समय सुर्खियां बटोरी भरी पड़ी हैं। कराची किंग्स के जितने भी मुकाबले हो रहे हैं सारे के सारे मुकाबलों में जो है वो जा रही हैं, जलवा बिखेर रही हैं। कैमरामैन की निगाहें बस इसी पर रहती है कि कब सना जावेद मुस्कुराए और वो लम्हा जो है कैप्चर कर ले। हालांकि पिछले मैच में जब सना जावेद गई थी तो बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया था, पब्लिक वहाँ की जो फैंस वहाँ के थे वो लगातार सानिया मिर्जा जो है वो चिल्ला रहे थे। अच्छा ये भी हुआ था क्या? और इसके बाद सना जावेद जो है इससे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, सोचने लगी कि भाई सानिया क्यों बोल रही है, सना क्यों नहीं बोल रहे हैं। वैसे सानिया मिर्जा को पाकिस्तान की भाभी कहा जाता है, बहुत लोग उन्हें पसंद करते थे, जिस तरीके का इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल टेनिस प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम आप कह सकते हैं कि डबल्स में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर और उनका प्रोफाइल और उनका करियर बड़ा शानदार रहा, लेकिन शादी के बाद जो है उन्होंने करियर अपना दाव पे लगा दिया। इतनी मतलब शोएब मलिक को इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था, बट आखिरकार में खैर चलता है, होता है, जिंदगी है, सब कुछ है, लाइफ गोज ऑन। वही है कि सना जावेद को जो कि वफादारी की सिला फादर से हमेशा नहीं मिलती, शोएब मलिक को पसंद कर रहा है क्योंकि उसने सानिया मिर्जा के साथ बेवफाई की है और यही बेवफाई जो है लोगों को रास नहीं आ रही है और सना जावेद को जो है वो भाभी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दर्जी का क्या कहना, दर्जी अभी भी खेल रहा है, पीएसएल खेल रहा है, रन्स बना रहा है, चौथी सिलाई भी कर ले, अब भी पाकिस्तान की टीम में आ सकता है। कह तो यही रहा था कि इस साल का विश्व कप खेलेंगे, लेकिन खेलने से ज्यादा तो मैदान के बाहर ही खेले जा रहा है भाई साहब, तो देखते क्या कुछ होता है। बट ये सब मत करो यार, मतलब स्टेडियम में मतलब ठीक है, शादी हो गई, उनका मन था, उनका अपना निजी लाइफ है, जो करे वो, आपको क्या करना है, आपने तो बस मैच देखना है, मैच देखिए, किसी को ट्रोल करके किसी को बेइज्जत करके क्या ही मिलेगा। तड़का तो वैसे तू भी डाल रहा है, ज्यादा बेइज्जत ही कर दी है वैसे।
धन्यवाद। यार सिंपल सी बात है, किसी की पर्सनल लाइफ में किसी और का बोलना शोभा नहीं देता, बट एक की बात है कि यार अगर बंदा सेलिब्रिटी हो तो वो जलील भी जलती होता है और वो मतलब रहस्य भी जलती लेता है। ये तो मतलब कमाल की बात है ऐसे फील्ड में। अगर बंदा सेलिब्रिटी है, अगर थोड़ा फेमस है, अगर एक एक नोइंग पर्सन इन अ कंट्री, इन अ नेशन, इन अ कॉन्टिनेंट, तो वो जो है ना जलील और राइस बहुत जलती होता है। अगर वो कोई गलत काम करे तो देयर वाज अ पर्सन हु वाज गिल्टी फॉर दिस एंड देयर वाज अ पर्सन हु वाज द मेन रीजन फॉर दिस। तो ये सीन होता है ऑल द वे इन द मीडिया, ऑल द वे इन द यूट्यूब, ऑल द वे इन द फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह पे, क्योंकि ऐसे बंदों का राइज और फॉल सेकंडों के मोहताज होती है। बस बस आज राइज तो कल फॉल, कल फॉल तो आज राइज, इस तरह का सीन चलता रहता है। और यार सारे के सारे जो है ना करेक्टर को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे लोगों को थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वहां पर जलील होने के लिए जो ना पीछे हजारों फारिग लोग बैठे हुए हैं, और वो करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर फारिग इंसान कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिसमें उसे मजा आता है। वो ये जो है ना ये लोगों के पीछे बातें करना ये आम है। हमारा काम तो एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर है, हम तो जस्ट कह रहे हैं कि यार असल में हो क्या रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि यार इसने बुरा किया अच्छा किया, वो इसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो के कहते हैं कि यार इसने ये किया, ये बुरा किया, ये इस तरह किया, इसे ये नहीं करना चाहता, ये अब हमें कहने का कोई हक नहीं। दैट वॉज, दैट इज एंड दैट विल बी हिज पर्सनल लाइफ, जिसमें हमारा कोई काम शाम नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन। टिल नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड टाटा, बाय बाय।